बताइए, अपना नाम बताइए, अपने गांव का नाम बताइए। नाम अमित सिंह, गांव बरनाव, ब्लॉक पटारा, तहसील घाटम, जिला कानपुर नगर। और तेज बोलिए। इतने तेज बोलिए। और क्या बताएं आप, पूछो तो। चित्रकूट कब से आ रहे हैं आप? कौन छः सात आठ महीने हो गए, सात आठ महीने हो गए। सात आठ महीने से आपके घर से भी पहले लोग आते थे? नहीं, हमने आना चालू किया। आपका क्या नाम है? विकास द्विवेदी जी। विकास द्विवेदी। आप वहीं से? कानपुर से। विकास से बन्नाओ, ब्लॉक पतारा, तहसील घाटमपुर, कानपुर जिला। चित्रकूट के कुछ अनुभव देना चाहेंगे आप? क्या चित्रकूट के राम घाट आपको लगा? राम घाट में बहुत अच्छा लगा। 8-9 महीने से आते हुए काफी यहाँ पर प्रोग्रेस हुए। और क्या बदलाव चाहिए चित्रकूट में? क्या कुछ नया चाहिए या राम घाट में नया चाहिए क्या? अरे ऐसे ही नया कार होते रहे यही बस। युवाओं के लिए क्या आपका कार्य संदेश है कुछ चित्रकूट में, मतलब पर्यटन की दृष्टि से लोगों को आना चाहिए कि चित्रकूट या नहीं, या कैसी असुविधा है? ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से सुविधा है कि असुविधा है, मतलब कुछ अनुभव दीजिए आप। नहीं, ट्रेन से सुविधा भी है, सब कुछ है उससे। आप भी नहीं साथ हैं? आप भी बता। अरे डरिए मत। अरे डरा। कहाँ से आए आप? चंगेरी। चंगेरी, चंगेरी। आपका नाम क्या है? दिमान सिंह। चित्रकूट में मतलब कहाँ, अमावस्या में ही आते हैं मतलब बीच में आते रहते हैं? हम बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत दिन, कब से लगभग? अभी ऐसे पहले ऐसे आते आप कितने वर्ष हो गए? 10-15 साल हो गए। कोई संकल्प था या मतलब इसी प्रकार से? नहीं, दर्शनीय दर्शन के हेतु अमावस्या में ही आते हैं। अमावस्या। अच्छा, राम घाट में और चित्रकूट में क्या कुछ बदलाव है पहले से या क्या है, कुछ अनुभव देंगे अपने? बदलाव है, पहले से बदलाव है। युवाओं को कुछ संदेश देंगे आप जी? युवाओं को, नए युवाओं को, पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ भी मतलब कि जैसे चित्रकूट लोगों को आने चाहिए दर्शन स्थली के हिसाब से, कि कैसे क्या है इस विषय में? बढ़ोतरी के लाने। अब बताओ आप खुशी है जो की गंदगी में यह स्नान किया आपने? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। आप बोलेंगे जी? बताएं और विस्तृत चर्चा करिए। आपका शुभ नाम क्या है? भानु प्रताप बुंदेला। भानु प्रताप बुंदेला, कहाँ से आए हैं? चंदेरी, चंदेरी जिला अशोकनगर। पूरा पता बताइए। ग्राम लदौरा, चंदेरी तहसील, जिला अशोकनगर। चित्रकूट आने का क्या उद्देश्य था? दो माह से आ रहे हैं महाराज, और दर्शन करने के भाव से आते हैं। कब से आ रहे हैं? दो महीने से। अभी दो महीने से आपने प्रारंभ किया है? जी। पहले कोई घर से आता था या नहीं? आप ही आना? कोई नहीं आया, मैं नहीं आया अभी। क्या कोई संकल्प था, आस्था, क्या कुछ नहीं, वैसे ही दर्शन करने के लिए। एक आस्था से किसी ने प्रेरित किया या मतलब आपने सोचा नहीं चित्रकूट को जाना, तब आप आए? चित्रकूट को सुनते रहते थे मैं यूट्यूब पर, तो ऐसा लगा कि चलो अपन भी चलें दर्शन करने, मनोकामना पूर्ण होती वहाँ जाने से। ऐसे परिक्रमा किया आपने जी? कितने किलोमीटर की परिक्रमा आपने की? परिक्रमा तो वही 6-7 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है? 5 की है। तो यहाँ कहीं रात्रि विश्राम लेते हैं या चले जाएंगे? नहीं, चले जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जी गुरुदेव। इसी लोगों से चर्चा हो पाई क्योंकि आरती का समय हो गया है। सुना हम लगभग जल्द से जल्द आप सभी को इसी प्रकार के चित्रकूट की चर्चा में। आज हमारे साथ कौन थे, क्या नाम है आपका? श्री भानु प्रताप बुंदेला। श्री भानु प्रताप बुंदेला जी थे, उनके साथ जो है दादाजी भी रहे और भाई साहब भी रहे, सभी लोगों ने चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद। जय जय।